नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं मर्जुन गुरु बाबा हमी जय जगन्नाथ जगदीश घोष मर्जुन गुरु बाबा दरबारे कोलकाता आईसी मजा नाव हसमुख। अभी मिस्टर हसमुख आप लोग को बताएंगे उनका अपडेटी उनका अपडेट आज क्या है, उनसे सुन लीजिए पहले, फिर आप लोग को हम बताएंगे मेरा फॉर्मूला इस करण से लड़ने का, लड़के जीत हासिल करने का। मदन आओ हसमुख मुर्सिन गुरु बाबा के दरबार में फिर से मैं आया हूँ, आना पड़ा क्योंकि आज हम लोग का कंट्री बहुत ही संकट में है। आज क्रोनोग्राफिक डे टू डे ऊपर ही जा रहा है, इसलिए मैं आज बाबा का दरबार में आया हूँ। आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकले और ये सब देखते रहे। मैं इंडिया का पासपोर्ट मुंबई से हूँ। आप लोग को मालूम है ये आज किस तरह कोरोना का ग्राफिक डे टू डे बढ़ते जा रहा है। आज इंडिया में गली गली मोहल्लों में किस तरह हो रहा है उसका कुछ आप बैठे मैं बताऊंगा। आप लोग को मालूम है इस कोरोना का भगाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। गली गली घूम के डीजे बजा रहे हैं, घर में बैठ के करुणा जप 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 गाना गा रहे हैं, रोड में निकल के कभी जमराज तो कभी चित्रकूट कभी रावण बन के आदमी को डरा रहे हैं, कोरोना भगा रहे हैं। लेकिन कोरोना का ग्राफ जहां था वहां से ऊपर ही जा रहे हैं, ना गाना गाने से ना रोड के में घूम घूम के डीजे बजाने से ना रावण जमराज बन के रोड पे घूमने से कोरोना भगेगा। कोरोना का कैसे भगा जाए आज मोटरसाइकिल गुरु बाबा हम लोग बताएंगे, हम लोग से शेयर करेंगे। नमस्कार। आप मिस्टर घोष बताएंगे आप लोग को उनका अपडेटी उनका अपडेट आज क्या है, उनसे सुन लीजिए पहले, फिर आप लोग को हम बताएंगे मेरा फॉर्मूला इस करण से लड़ने का, लड़के जीत हासिल करने का। नमस्कार मुर्सुनी गुरु बाबा कैसे अमराज हम लोग जानेंगे किस तरह इस बीमारी से इस संकट के घड़ी से हम लोग बाहर सुरक्षित निकल सके, इसीलिए मैं आज बाबा के दरबार में आया हूँ। बाबा से आऊँगा सीखूंगा कैसे हम लोग इससे लड़ाई करके इसको हरा दे। हम लोग कलकत्ता में बहुत कुछ किए, क्या क्या किए हैं अभी तक उसका थोड़ा कुछ अब बीती मैं बताऊंगा बाबा को। आप लोग कुछ प्रोग्राम के माध्यम से अभी तो आप लोग जानते हैं कि कोरे चारदी के सब लॉकडाउन चले चे, कैसे हम लोग घरे सब आछी की गोरसी ऐसे एक आप बीती सत्य घटना जो मेरे ऊपर बीता
वो आज मैं बताऊंगा आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या 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 नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर। सुबह जैसे उठते हैं उठला नित्य प्रयोजन जिस सब पूरे निलाम गिन्नी बोल लो बाजारे जाओ तो हमने ठीक आसे जाए किसी जिनिस आनते हो लाना पड़ेगा सब्जी लाना पड़ेगा इसलिए मैं बाहर जा रहा जाना पड़ेगा खाना तो पड़ेगा नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे तो हमको बैग दिया और एक ठो मास्क बोले पहन लीजिए कोरोना नहीं होगा मैंने पहन लिया उसके बाद क्या हाथ में ग्लाव्स पहना दिया वो भी मैं पहन लिया मुझे मास्क लगा लिया भाजी लाने जाना है सब्जी लाने जाना है बीवी बोल रहा है नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे तो उसने फर्स्ट लेसन हमको क्या दिया बाहर जाने से पहले कोरोना नहीं होगा क्या क्या करने से की खोल ले कोरोना होवे ना पहले तो मैंने मास्क पहन लिया ग्लास पहन लिया तीन जेब में इधर कुछ पैसा एखने कुछ पैसा और एखने कुछ पैसा आता मैंने बीबी बोला है पैसा से भी होता है मालूम नहीं हमको क्या होता है कोरोना होता है और भी बोला है जे भाई बाहर जब जाइएगा हमेशा एक आदमी से 3 फुट का डिस्टेंस में रहेगा नजदीक एकदम मत होइएगा मैंने सुन लिया बोला तो कोरोना नहीं होगा ठीक है मैं ग्लास पहन के मास्क पहन के थैला लेके यहाँ पैसा और यहाँ पैसा लेके बाजार के लिए निकलेंगे उससे पहले एक चीज दिया हमको हाथ में क्या सैनिटाइजर बोला कभी भी अगर जरूरत पड़े लेकिन थोड़ा कर लेने के लिए ले लिया मैंने फिर निकल गए जैसे हम घर से निकले थोड़ा रोड में आए देखे मेरे मित्र वो ऐसे ऐसा और भैया क्या हुआ बोलो वहां 2-4 पुलिस है वो लोग डंडा मार कर भागा बोले क्यों बोला डंडा मारने से भागना से तभी कोरोना भागेगा बोले ऐसा क्या बोला हाँ मैंने भी चला गया पुलिस के पास बोला पुलिस भैया क्या हो रहा है मैं बोल के खत्म नहीं किया तो हमको दे दिया एक डंडा बोले भागो नहीं तो कोरोना हो जाएगा तो मैं कहते कहते भाग आया बोला डंडा पाने से लेके कोरोना भाग जाएगा तो मैं ही भाग गया फिर उसके बाद आया सब्जी वाला के पास सब्जी वाला बोल रहा है बाबूजी ये ले लीजिए एक खाने से कोरोना भाग जाएगा अपना अच्छा हाँ ये खाइए कोरोना भाग जाएगा हम बोले कत करे दादा की बोलबो आर आपनाके 10 টাকায় 10 রুপিয়া আমি 10 টাকা কিনতাম আমি 100 রুপিয়া বলতো বলে লেনে সে কোনো ভাবে যায় ইসকা সবজি খাই আমি তো লিলামে তরকারি খালি সবজি আমরা দে দো ভাই লে লিয়া এ খানে সে কোনো ভাগ যায় আমরা আচ্ছা বাত হ্যাঁ ও ভি লে লিয়া উসকে বাদ আর ভি দুসা দোকান মে গিয়া উনি বলা যে এক লে লিজিয়ে কোরোনা কা এক মাত্র আছে এস খাইয়েগা কোরোনা নি হোগা ও ভি মেনে লে লিয়া ও ভি 10 কা 100 রুপিয়া আমি চলো সব লেকে ऐसे 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 कहते घर में आया भी बोला क्या हुआ बोला हाँ पुलिस वाला आया डंडा मार रहा है बोला कोरोना भागा रहा है तो मैं भी एक डंडा खा लिया कोरोना आएगा भाग जाएगा तो चलिए ये मेरा आप बीती है लेकिन क्या बोलेंगे अभी तक कोरोना का ग्राफ ऐसे ही है ऐसे भी नहीं हुआ बहुत दुख की बात है इसीलिए मैं आज बाबा के दरबार में आया बाबा शायद कुछ बताए हम लोग को कि किस तरह कोरोना भगाए।
आप लोग अभी मिस्टर घोष से सुने हैं आज कोरोना को भगाने के लिए क्या क्या उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो हम लोग को भी और भी सावधानी रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा इस कोरोना को हारने के लिए। आज अमेरिका जैसे इतना एडवांस कंट्री, इसका मेडिकल वैसे इतना स्ट्रांग होते हैं भी जो कोरोना से लड़ नहीं पा रहा है, तो हम लोग तो बहुत पीछे है अमेरिका से, तो हम लोग कितना लड़ेंगे, तो हम लोग को जरूर लड़ेंगे, जरूर कायम होंगे, हम लोग जरूर कोरोना को हराएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा बहुत सतर्क से, बहुत सावधानी से इसको हराना पड़ेगा। उसी के बारे में बताऊंगा आज चाइना किस तरह वुहान शहर आज सबसे सेफ जोन में आ गया, जहां से इस वायरस का उत्पत्ति हुआ था, वही चाइना वुहान आज वर्ल्ड के सबसे सेफ जोन कैसे हो गया, उसी के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप लोग देखते रहिए हमारा शो। Ha 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 ha